नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक लिनोवो का मोबाइल है, लिनोवो K8 नोट यानी कि लिनोवो XT1902-3। और इसमें हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, हमारा ये डिवाइस बिल्कुल से ऑन नहीं हो पा रहा और बिल्कुल से चार्ज भी नहीं हो पा रहा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि आप अपने लिनोवो K8 नोट मोबाइल को किस प्रकार से ऑन कर सकते हो, किस प्रकार से उसकी चार्जिंग प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक लिनोवो का मोबाइल है, लिनोवो K8 नोट, और इसमें हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक और बिना किसी स्किप के आप देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी सिम ट्रे को रिमूव कर लेना है। हम सिम ट्रे को पिन से रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिम ट्रे आपको निकाल लेनी है। सिम ट्रे निकालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से नेल्स की सहायता से आपको ये ओपन करना है, या फिर आप इसको बिल्कुल SRT6 से भी ओपन कर सकते हो, जिसकी चाहे आप उसका इसका हेल्प ले सकते हो। और ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा गैप बनाना है यहाँ पर, और ये गैप बनाते हुए आपको ये इस प्रकार से चारों ओर से ओपन कर लेना है। SRT6 से भी आप कर सकते हो और नेल्स की सहायता से भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ये ओपन कर लेना है। ये देखिए, हमें इस प्रकार से ये ओपन कर लेना है। और ये देखिए, हमारा ये बैक पैनल हमारा ओपन हो गया, ये बिल्कुल से हमने निकाल लिया। हम इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, हमारा मोबाइल है लिनोवो K8 नोट, और इसमें हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो हम इसको बैटरी सेक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, टॉप सेक्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, हम बॉटम सेक्शन को ही ओपन करेंगे। और आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल सील पैक है, बिल्कुल न्यू डिवाइस है। ये देखिए, यहाँ पर भी स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमारा स्टिकर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो और हमारा डिवाइस में किसी प्रकार की कोई भी हमारी लूजिंग ना रहे। तो हम वन बाय वन करके सारे के सारे स्क्रू ओपन करेंगे इसके। ये आपको सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं। ये देखिए, हमने सारे के सारे स्क्रू ओपन कर लिए। इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हमें क्या करना है, ट्वीज़र की हेल्प लेनी है। हमें ट्वीज़र की मदद से हमें ये इसको रिंगर असेंबली को निकालना है। ये इस प्रकार से बहुत ही केयरफुली हमें निकालना है, किसी प्रकार का हमें इसमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल से सावधानीपूर्वक हमें ये निकालना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने बिल्कुल से हमारी रिंगर असेंबली निकाल ली है। इसको हम साइड में रख देते हैं। और हमारी ये चार्जिंग स्ट्रिप को हमें बाहर निकालना होगा, इसके लिए हमें ये स्क्रू ओपन करना है। ये स्ट्रिप को हमें निकाल लेना है और ये एंटीना वायर को हमें यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए, एंटीना वायर भी हमने निकाल लिया। और अब हमें ये स्क्रू ओपन कर लेना है। स्क्रू ओपन करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमारी ये चार्जिंग स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, सावधानी पूर्वक हमें काम करना है। ये किसी प्रकार के, ये देखिए, हमारा ये इसका कवर हमने निकाल दिया और इसको हमने बाहर निकाल दिया। ये देखिए, हमारा ये चार्जिंग जैक हमारा बिल्कुल से बाहर आ चुका है और बिल्कुल से हमारा ये डैमेज है, और हम इसको बिल्कुल से रिप्लेस करना आपको बताएंगे। ये मदरबोर्ड को हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, हम चार्जिंग जैक को रिप्लेस करना आपको बताते हैं। इसको हम पहले रिमूव करेंगे SMD की सहायता से। तो इसके लिए हम बिल्कुल से इसको थोड़ा सा सेफ करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको रिमूव करें, ताकि हमारा ये सेफली हमारा निकल जाए। और बिल्कुल से हम इसको रिमूव करते हैं। इसके लिए हम कुछ इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा डिवाइस में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो।
माइक वगैरह को हम थोड़ा सा सिक्योर करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से हम इसको सिक्योर करेंगे इस प्रकार से, और ये हमने रख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई वज़न इस पर रख देंगे ताकि हमारा ये हिले नहीं और माइक में हमारी किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, और ये इस प्रकार से हमें थोड़ा सा बचाते हुए हमें सारा काम करना होगा ताकि हमारे कोई माइक सेक्शन में या किसी प्रकार की हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखिए आपको इस प्रकार से लगा लेना है, और अब हमें SMD की सहायता से इसको रिमूव करना है। हम SMD की हेल्प लेकर इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जैक है आसानी से निकल सके और कोई प्रिंट हमारा डैमेज ना हो, तो पेस्ट का आप ज़रूर इस्तेमाल करिए इसको रिमूव करते समय, ताकि आपके जैक बिल्कुल आसानी से निकले और प्रिंट डैमेज ना हो। ये देखिए दोस्तों, आपको ट्वीज़र की हेल्प से ये चेक कर लेना कि ये लूज़ हुआ नहीं हुआ, और ये देखिए हमारा, और आपको इस प्रकार से पकड़ कर निकाल लेना है। ये देखिए हमारा डिफेक्टिव जैक है, और ये हमने रिमूव कर लिया, और हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हमारा ये जैक निकाल लिया हमने, सारे के सारे प्रिंट्स हैं, और ये हमारा डिफेक्टिव जैक है। अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम ये नया जैक लेंगे, और हम इसको SMD की सहायता से भी लगा सकते हैं, और हम इसको हमारे आयरन की सहायता से भी लगा सकते हैं, तो हम इसको आयरन की सहायता से लगाएंगे। ये देखिए हमें इस प्रकार से ये जैक ले लेना है, और हमें हमारे आयरन की मदद लेते हुए हमारे को यहाँ से ये इंसर्ट कर देना है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको इस प्रकार से इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद में आपको इसी प्रकार से ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इंसर्ट कर लेना है आपको, थोड़ा सा फोर्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए ये, ताकि आपका ये जो जैक है अंदर तक एंटर हो जाए। ये यहाँ पर थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर नीचे की ओर, ये देखिए, ताकि हमारा जैक प्रॉपर वे में सेट हो जाए और किसी प्रकार की कोई लूजिंग उसमें ना रहे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये जैक इसको इंसर्ट कर दिया है, और अब इंसर्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देख जैक हमने लगा दिया है बिल्कुल से, और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी मजबूती है वो बनी रहे, और हमें आगे भविष्य में ज़्यादा समस्या ना आए। ये देखिए आपको इस प्रकार से मजबूती बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये पेस्ट इस्तेमाल कर आपको यहाँ पर ये सोल्ड कर देना है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करके इस प्रकार से अंदर की ओर प्रेस कर देना है। ये देखिए इस साइड का हमने कर दिया, इसी प्रकार से आपको ये अपोजिट साइड में भी कर देना है, ताकि दोनों ही साइड की मजबूती आपकी बनी रहे और आपके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ये देखिए, और ये हमने यहाँ से भी इसको पेस्ट कर दिया, और अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा प्रिंट्स को सोल्ड करना होगा हमें, जो भी हमारे प्रिंट्स हैं इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और आयरन की मदद लेकर हम इसको सोल्ड करेंगे।
ये देखिए हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारे के सारे प्रिंट्स को सोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल से सारे के सारे प्रिंट्स को सोल्ड कर दिया और हम थोड़ा सा इसको ब्रश से क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे को अच्छे से दिख सके। क्लीन करने के बाद में आप देख पा रहे हैं हमारे सारे के सारे प्रिंट्स हैं हमारे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर वे में हमारे सोल्ड हो चुके हैं। ये हमारा डिफेक्टिव जैक है और अब हम एक बार इसको चेक करते हैं। हमारा ये मदरबोर्ड हम ले लेते हैं, मदरबोर्ड हम इसके अंदर लगाते हैं। हमारे मदरबोर्ड का जो स्क्रू हमने ओपन किया था वो हम लगाते हैं ताकि हमारा लूजिंग ना रहे। ये स्क्रू हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए ये हमें लगा देना है यहाँ पर। हमने लगा दिया और हमें ये स्ट्रिप को लगा देना है अच्छे से। ये स्ट्रिप हमें अच्छे से लगा देनी है, एंटीना वायर हमें लगा देना है और जो रिंगर असेंबली हमने ओपन की थी वो भी हमें लगा लेनी है ताकि हमारा जो जैक है लूज ना रहे और अच्छे तरीके से हमारा वर्क करे। ये देखिए हमने ये ले ली और ये हमें सारे के सारे स्क्रू इसमें लगा लेने हैं। वन बाय वन करके हमें सारे के सारे लगा लेने हैं ताकि हमारे किसी प्रकार की जैक में कोई भी लूजिंग ना रहे और हमारा जैक लंबे समय तक हमारा बिल्कुल काम करता रहे। ये हमें सारे स्क्रू लगा लेने हैं ताकि हमारे किसी प्रकार का कोई भी लूजिंग ना रहे और बिल्कुल से हमारा जो जैक है लंबे समय तक काम करता रहे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल से पैक कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल से देखते हैं। ये देखिए हम इसमें चार्जर इंसर्ट करके चेक करते हैं। हम इसमें चार्जर इंसर्ट करते हैं और हम देखते हैं। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर लाइट इंडिकेट हो गई और ये देखिए यहाँ पर हमारा चार्जिंग शो कर रहा है हमारा। ये देखिए 8% हमारा चार्ज है बिल्कुल से। हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये हमने स्विच ऑन किया, हमने बिल्कुल से डिवाइस को स्विच ऑन कर दिया और ये देखिए हमारा लिनोवो आ रहा है। ये देखिए हमारा पैटर्न लग रहा है, हम इसको ओपन करते हैं। हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए हमारा ये डिवाइस ऑन हो चुका है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी चार्जिंग शो कर रही है। 8% है चार्जिंग शो कर रहा है, 8% है हमारी। हम इसको रिमूव करते हैं।
हमने रिमूव किया और ये देखिए हमारा चार्जर रिमूव होते ही हमारी बैटरी लो बोल रहा है। हम दोबारा से चार्जर इंसर्ट करते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारा चार्जिंग इंडिकेट कर रहा है। हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा है। हम इसकी सेटिंग में आते हैं, नीचे आते हैं, सिस्टम में आते हैं हम और नीचे अबाउट में आते हैं और ये देखें हमारा मॉडल है XT1902-3 यानी कि हमारा लिनोवा K8 Note। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे लिनोवा K8 Note मोबाइल का चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।